राष्ट्रपति को हटाने के लिए वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान से उनको हटाना है। अब इसके लिए क्या होगा, 1/4 जो मेंबर है वो बिल उठाएंगे। कहाँ से उठाएंगे, बोथ द हाउसेस, बोथ द हाउसेस मतलब दो ही सदनों से, या तो वो लोकसभा से हो सकता है या राज्यसभा से हो सकता है, ठीक है। 1/4 का बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, 14 दिन की क्या होगी उनको अवधि मिलेगी। 1/4 लोग क्या करेंगे, बिल पास करेंगे और 14 दिन की अवधि मिलेगी 1/4 लोगों की बात, ठीक है। आगे जा के क्या होगा, अगर राष्ट्रपति कोई सुनवाई नहीं करता है तो बिल कहाँ आएगा, सेम हाउस में आएगा, फिर वापस क्या होगा, उसी हाउस में वापस सेम आएगा, ठीक है। लोकसभा से उठाया तो लोकसभा में आएगा, ठीक है। 2/3 मेजोरिटी से फिर क्या होगा, वो राज्यसभा में जाएगा, फिर 2/3 मेजोरिटी से क्या होगा, दोनों हाउस 2/3 और 2/3 बिल लाएगा और राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। तो पहले क्या होगा, 1/4 से तो बिल पास होता है, कोई से भी सदन से 1/4 बिल पास हो जाएगा। बिल पास होने के बाद फिर क्या होगा, 2/3 से क्या होगा, वो बिल को राष्ट्रपति को उस बिल से हटाया जाएगा। आर्टिकल 60 क्या बताता है, शपथ के बारे में बताता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन देता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देता है। शपथ के लिए कौन सा आर्टिकल होता है, शपथ के लिए 60 नंबर का आर्टिकल होता है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। 5 साल का क्या होता है, इनका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। 5 साल पहले अगर वैकेंट सीट है तो उसी सीट में भरी जाएगी, अगर हटा दिया तो उस वैकेंट सीट पे कौन भरेगा, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठ सकता है, सुप्रीम कोर्ट उस सीट पे बैठ सकता है। आर्टिकल नंबर 62 आपको क्या बताती है, वैकेंसीज के बारे में बताती है। आर्टिकल नंबर 63 आपको क्या बताती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताती है, ठीक है। आपको किसके बारे में बताती है, पार्ट 4 आपको बताती है डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट पॉलिसी में किस तरीके की डायरेक्टरी प्रिंसिपल है। जैसे हमें सोशल मतलब सामाजिक इकोनॉमिक मतलब पैसे और वेलफेयर ऑफ स्टेट, हमें हमारे स्टेट का वेलफेयर करना चाहिए, ये कौन से पार्ट में लिखा है, पार्ट 4 में लिखा है, जिसे बोलते हैं डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप अपने उत्पादन साधनों को बचाने के लिए आर्टिकल 39C के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ लाइवलीहुड मतलब जीवन के बारे में, जीवन में रहने का अधिकार है, ये आर्टिकल नंबर 39A के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वल पे ऑफ इक्वल राइट, ये भी किसके अंदर लिखा हुआ है, 39A के अंदर आर्टिकल में लिखा हुआ है। आर्टिकल 42 आपको बताता है प्रॉपर तरीके से ह्यूमन कंडीशन मिलेगी, ठीक है, वर्क एनवायरमेंट मिलेगा, जिससे आप हर चीज़ों के बारे में सर्वाइव कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हु इज़ द फर्स्ट लीगल लॉ ऑफिसर, फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर सबसे बड़ा, जो लॉ का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, है ना। ये क्या होता है, ये आर्टिकल नंबर 76 में लिखा है, ठीक है। ये लीगल ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट को क्या करता है, ये बचाता है सिविल केस में, क्रिमिनल केस नहीं बचाता, मतलब सिविल केस में बचाएगा लेकिन क्रिमिनल केस में ये भारत का जो महान्यायवादी है ये बचाएगा नहीं, और ये सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। ये फुल टाइम क्या होता है, मेंबर होता है, पार्ट टाइम भी जॉब कर सकता है ये, ठीक है। ये प्राइवेट जॉब भी कर सकता है, मतलब प्राइवेट क्या कर सकता है, केस भी लड़ सकता है। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट को क्या होती है, रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, रिक्वायरमेंट के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के नागरिक होने के साथ 5 साल क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए, उसको जज का काम आना चाहिए, 10 साल उसको एडवोकेट का काम करा हुआ होना चाहिए, ठीक है। पार्लियामेंट में बैठ सकता है, ठीक है, बोल सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता, तो वोट करने का अधिकार किसको नहीं होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वोट करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। इसकी हेल्प करने के लिए क्या होता है, सोशलिस्ट जनरल होता है। लोकसभा में 2 साल का क्या होता है, इसके अंदर 2 साल का अटॉर्नी जनरल का काम होता है, फिर अटॉर्नी जनरल चेंज भी होते रहते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या करता है, गवर्नमेंट को बचाता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, क्रिमिनल केस लड़ सकता है, लेकिन ये क्या करता है, फुल टाइम क्या होता है, फुल टाइम मेंबर नहीं होता, ये पार्ट टाइम क्या होता है, मेंबर होता है, ठीक है। और एक क्रिमिनल केस लड़ सकता है, लेकिन क्या कर सकता है, ये सिविल केस नहीं लड़ सकता है, ठीक है। और ये क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, और इसकी क्या करता है प्राइवेट भी क्या कर सकता है, ये केस लड़ सकता है, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, वो 2 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का हाई कोर्ट का,
और 10 साल का एडवोकेट का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जब भी वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है भारत का महान्यायवादी, सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर। ठीक है, और इसको क्या होता है, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, जब भी वो क्या कर पाएगा, उसके अंदर वो केस, क्रिमिनल केस लड़ पाएगा। ठीक है।